नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो ग्रुप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, और ये पूरे 10 मिनट का होगा, क्योंकि दोस्तों आपके जहाँ पे 7 मिनट 8 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा और जहाँ पे 5 मिनट का बोला जाएगा वहाँ पर आपको कम से कम 10 मिनट की तैयारी करके जाना है, ताकि डिक्टेशन लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसका पी डी एफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद उसमें स्टेनो गुरु जी सर्च करेंगे, आप हमारे लिंक से सीधा जुड़ जाएंगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है और आपको घर से बाहर नहीं निकलना है अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो, और अपने देश को बचाना है तो आपको घर में सुरक्षित रहना है, घर में ही आप तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हमने 30 एक्सरसाइज का एक ई पत्रिका बनाया है जो कि अभी मैं अपलोड कर दूंगा शाम तक। अगर उसका पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे, जिसमें हमने महत्वपूर्ण शब्दों का संकलन तैयार किया है और उसको एक्सरसाइज में कन्वर्ट किया है। तो अगर चाहिए तो मिल जाएगा आपको, और आउटलाइन का भी हमने पीडीएफ बनाया है। अगर उसका पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपना सुझाव और सवाल अपने कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हम और कुछ बेहतर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देश में कोरोना महामारी के बीच मंगलवार को वित्त मंत्री ने जो कुछ घोषणाएं की, उनसे कारोबारियों और बैंक खाता धारकों को थोड़ी तो राहत मिलेगी। वित्त वर्ष समाप्ति की ओर है और कंपनियों को अपने कर समय से चुकाने हैं, लेकिन पूर्णबंदी के कारण सारे काम ठप हैं। ऐसे में कारोबारी चिंतित हैं। अब कारोबारी मार्च मई की जीएसटी रिटर्न 30 जून तक दाखिल कर सकेंगे। जिन कंपनियों का कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है, उन्हें रिटर्न दाखिल करने में देरी हो जाने पर कोई विलंब शुल्क, जुर्माना या ब्याज नहीं देना पड़ेगा। जिन कंपनियों का कारोबार 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उन्हें 15 दिन की छूट मिलेगी और इस अवधि में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर कोई विलंब शुल्क या जुर्माना नहीं लिया जाएगा। उसके बाद अगर देरी हुई तो 12 के बजाय 9% की दर से ब्याज लिया जाएगा। इसी तरह टीडीएस जमा करने में देरी पर 18 की जगह 9% ब्याज लिया जाएगा। कारोबारियों पर नियत अवधि में काम कर जमा करने का जो दबाव रहता है, उसमें यह थोड़ी राहत जरूर है। इसी तरह बैंक खाताधारकों के लिए न्यूनतम शेष राशि और डेबिट कार्ड और एटीएम पर लगने वाले शुल्क भी फिलहाल खत्म कर दिए गए हैं। भारत में कोरोना महामारी जिस तेज़ी से फैल रही है, उसका अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ना स्वाभाविक है। इसे रोकने के लिए देश भर में पूर्णबंदी लागू कर दी गई है। औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन बंद है। दवा और किराना दुकानों को छोड़कर बाज़ार पूरी तरह से बंद है। जाहिर है अर्थतंत्र के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अभी कारोबारियों की सबसे बड़ी चिंता यह बनी हुई है कि कब हालात सुधरेंगे और काम धंधा शुरू होगा। किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए सरकार को पूर्णबंदी जैसा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ सकता है। इससे ज़्यादा असर उन छोटे और मझोले कारोबार पर पड़ा है जो छोटी पूंजी से चलते हैं और अचानक काम बंद होने से उन्हें अगले महीने अपने कर्मचारियों
को वेतन देने का संकट खड़ा हो गया है। सरकार ने साफ कह दिया है कि इस बंदी के दौरान कोई भी संस्थान किसी भी कर्मचारी का वेतन और छुट्टी ना काटे और उसे काम पर माना जाए। ऐसे में उद्योगों का संकट अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। छोटे और बड़े उद्योगों के सामने संकट कर्मचारियों को बंदी के दौरान वेतन देने का तो है ही, इसके साथ ही बैंक कर्ज की मासिक किस्तें चुकाने का भी है। उद्योगों के समक्ष वैसे ही कई तरह के दबाव हैं जिनसे वे जूझ रहे हैं। हालांकि कोरोना संकट के दौरान उद्योगों को राहत के मुद्दे पर प्रधानमंत्री उद्योगपतियों से बात कर चुके हैं, इसलिए यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही प्रभावित क्षेत्रों के लिए घोषणाएं कर सकती है। रियल एस्टेट जैसे कुछ क्षेत्र जो लंबे समय से मंदी की मार झेल रहे हैं, अब कोरोना संकट के कारण और ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसके अलावा कंपनियों में उत्पादन बंद होने से चौथी तिमाही के नतीजे भी निराशाजनक रहेंगे और इसका असर जीडीपी की वृद्धि पर पड़ेगा, जो पहले से ही काफ़ी कम है। इस वक्त पहली प्राथमिकता कोरोना से निपटने की है, लेकिन अचानक बंदी से जो संकट खड़ा होगा वह भी कम गंभीर नहीं है। लंबी राजनीतिक उठापटक के बाद आखिरकार एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की कमान संभाल ली है। करीब 15 महीने तक वहां कांग्रेस की सरकार रही, पर कुछ विधायकों के असंतोष और फिर इस्तीफे के बाद वह अल्पमत में आ गई। मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेसी विधायकों के पार्टी छोड़ने की वजह से भाजपा की संख्या सरकार बनाने के लायक हो गई और फिर शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ले ली। इस नाटकीय घटनाक्रम की मुख्य कड़ी बने ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने कांग्रेस आला कमान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया और फिर भाजपा में शामिल हो गए। उनके पीछे पीछे उनके समर्थक 22 विधायकों ने भी पार्टी छोड़ दी। वे कई दिनों तक बंगलुरु के एक रिसोर्ट में सुरक्षा घेरे के भीतर डेरा जमाए रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे संपर्क साधने, उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, पर वे अपने फैसले पर अडिग रहे। उन विधायकों का आरोप था कि मुख्यमंत्री कमलनाथ उनके निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने, खासकर किसानों से किए गए वादों को पूरा करने के मामले में अपेक्षित कदम नहीं उठा रही। अब वे विधायक भी भाजपा के पाले में चले गए हैं। लोकतंत्र में सरकारें सदन में संख्या बल के आधार पर बनती और टिकी रहती हैं। इस दृष्टि से शिवराज सिंह चौहान का सत्ता में आना संविधान सम्मत है, पर यह सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि इस तरह जनमत के विरुद्ध बनी सरकारें कहां तक जनतांत्रिक कही जा सकती हैं।
चुनाव में लोग जिन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं उनसे यही अपेक्षा रहती है कि वे उनके हितों का ध्यान रखेंगे, मगर जब वे निहित स्वार्थों के चलते पाला बदल कर ऐसे दल के साथ खड़े हो जाते हैं जिसे लोगों ने नकार दिया है तो वह उम्मीद धूमिल पड़ जाती है। मध्य प्रदेश में जनमत कांग्रेस के पक्ष में था। एक तरह से लोगों ने भाजपा को नकार दिया था, पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सीटों का फासला बहुत कम होने की वजह से कांग्रेस में टूट का लाभ भाजपा को मिला और वह फिर से सत्ता में आ गई। यह अकेला और नया उदाहरण नहीं है, इससे पहले भी कई राज्यों में बहुमत हासिल करने वाले दल में फूट पैदा करके कम सीटें पाने वाले दल सत्ता पर काबिज हो जाते रहे हैं। इस प्रवृत्ति के चलते एक तरह से जनता को छला और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मखौल ही उड़ाया जाता है। इस तरह मध्य प्रदेश की नई सरकार भी सवालों से परे नहीं है। स्टाफ ओके दोस्तों, आप लोग इसका प्रैक्टिस करिएगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों मैं आज शाम तक हो सकेगा तो एक पत्रिका आपके लिए पब्लिक कर दूंगा, जो कि 30 एक्सरसाइज का हमने उसमें कलेक्ट किया है, 30 एक्सरसाइज हमने उसमें बनाए हैं, टाइप किए हैं। तो अगर वो पत्रिका आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड आप कर पाएंगे। और आप लोग कोशिश करिएगा, क्योंकि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है कोरोना वायरस के चलते, 14 अप्रैल तक आपको घर में ही रहना है, घर से ही प्रैक्टिस करना है। और हम आपके प्रैक्टिस में कमी नहीं आने देंगे। अगर आप 60 रन की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे। और अगला वीडियो हमारा जो है वो 60 रन GS का होगा, इसके बाद अभी मैं उसको लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हम भी घर पर ही बैठ के आपकी तरह पढ़ाई में लगे हुए हैं और आपके लिए मटेरियल इकट्ठा करके आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और 1000 आउटलाइनों का भी हमने एक संग्रह तैयार किया है, जिसका PDF अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आपसे अनुरोध है कि आप घर में बैठे तैयारी करें, बाहर न निकलें, जिससे कोरोना वायरस से बचा जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।